खबर कोरिया के बैकुंठपुर से है, जहां पर स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल के चलते जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। कर्मचारी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए मरीजों का इलाज और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है, किंतु यह नाकाफी साबित हो रही हैं। हमारी प्रमुख मांगे हैं वेतन विसंगति, जो डॉक्टर के साथ, सिस्टर के साथ और हमारे आरएचओ भाई बहन और दोस्त हैं उनके साथ है। इसमें तो हमारे स्वास्थ्य विभाग में तो ट्रेनिंग करने के लिए कोई 1 साल 2 साल भी ट्रेनिंग किया है, उसका ग्रेड पे 2800 है, लेकिन हम लोग तो 3 साल 4 साल ट्रेनिंग करके आए हैं, उनका भी ग्रेड पे 2800 है। ये हड़ताल छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के अंतर्गत हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। शासन द्वारा कई बार हम उनको अवगत कराया गया है हमारे 5 सूत्रीय मांगों को लेकर, जिसके अंदर हमारी वेतन विसंगतियां हैं। डॉक्टर्स हो गए, स्टाफ नर्स हो गए, आरएचओ संघ जो कि संघ हैं, इनके सैलरी में जो कि बहुत ही ज़्यादा अंतर मिल रहा है। काम इनके 2 साल 4 साल का हम कोर्स किए हैं, स्वास्थ्य 2 साल का किए हैं, बट इनकी सैलरी में बहुत ही ज़्यादा विसंगति है। 25 डॉक्टर जो क्लास 1 और मेडिकल ऑफिसर हैं, वो 25 डॉक्टर हैं जो स्ट्राइक पे गए हुए हैं, और हमारे यहाँ से स्टाफ नर्स 13 स्टाफ नर्स हैं जो स्ट्राइक पे गई हुई हैं, और हम मरीजों के व्यवस्था के लिए, उनके इलाज के लिए यहाँ से SECL से डॉक्टर प्रोवाइड कराए हैं जो इमरजेंसी ड्यूटी देख रहे हैं। एक डॉक्टर रोहित और डॉक्टर इंद्रजीत करके हैं, वो शिफ्ट बाई शिफ्ट ड्यूटी दे रहे हैं, और हमारे यहाँ के आयुष डॉक्टर और एक डेंटिस्ट और एक NHM की डॉक्टर है, तो वो लोग अभी OPD व्यवस्था संभाल रहे हैं। और ये बहुत वस्तुस्थिति है और विडम्बना भी है, शासन के द्वारा एजमा लगने के बावजूद भी हमारे डॉक्टर स्ट्राइक में चले गए, जबकि उनको जाना नहीं चाहिए। इवन हमारे क्लास 1 भी पोस्टमार्टम के डर से उन लोग भी स्ट्राइक में चले।